स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ में। सारे लेक्चर पर हम देखेंगे डी बाई एकल इक्वेशन के बारे में, डी बाई एकल इक्वेशन के बारे में, है ना, डी बाई एकल इक्वेशन के बारे में और कर्व के बारे में, है ना, जो ग्राफ बनेगा उसका, उसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है, सुना ध्यान से, है ना। सबसे पहली बात तो ये जो ग्राफ बनाया जाता है ना, किसके लिए बनाया जाता है? एक तो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस, है ना, अंडर रूट ऑफ सी के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बनाया जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं बनाया जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं बनाया जाता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बनाया जाता। अभी क्यों होगा ऐसा, सब समझेंगे आगे अपन। ठीक है, देखो क्या होता है, जो अपने डी बाय हकल थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी के बीच में ग्राफ बनाया। ठीक है, अंडर रूट ऑफ सी क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने सी के बीच में भी लिया होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन के आया होगा। जब अंडर रूट ऑफ सी लेके देखा उन्होंने तो स्ट्रेट लाइन आ गया, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लग गई, इसलिए उन्होंने इसका अंडर रूट ऑफ सी वैल्यू ले ली, है ना। तो आप एक चीज समझते हो कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू की, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू और अपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए दोनों इंक्रीज होती है ना, है ना, पता है ना भैया क्यों होती है, वो सब पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है ना, और आप सीधे सिंपली भी देख सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ना, वो होती है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। मतलब आप जब कंसंट्रेशन बढ़ाओ, है ना, जब डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगा और इसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगी, है ना। तो सिंपल सा फंडा है कि क्या होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन के आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया अपन ने, है ना, कंसंट्रेशन बहुत जीरो के अप्रोच पहुंच गया, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा लगभग, लगभग अपनी, है ना, लगभग अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। और इस पॉइंट को मैं कह सकता हूँ दिस इज द पॉइंट, है ना, जहाँ पे कहूंगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस पॉइंट को नाम दे दूंगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इंटरसेप्ट। बेसिकली क्या है, इंटरसेप्ट। तो इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो कितना आ गया, इंटरसेप्ट कितना आ गया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, तो है ना। और स्लोप अगर मैं ग्राफ का देखूंगा तो स्लोप कितना निकल के आएगा, नेगेटिव है। और कितना है, तो उन्होंने जो डी बाय कल उन्होंने अपनी कॉन्स्टेंट वैल्यू बता दी, दैट इज बी। तो कितना है, माइनस है, नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव है, और कितना है, बी उन्होंने दे दिया है इसको, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, जिसका कॉन्स्टेंट वैल्यू इन गिवन और स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये रखिएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात करें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पे सी। वाई यहाँ पे कितना है, वाई है आपका मोलर कंडक्टिविटी, ये जो ये आपका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर आपका, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका, एक मिनट, एम एक्स प्लस से, हाँ ठीक है। जो स्लोप है आपका वो कितना निकल के आ गया आपका, माइनस ऑफ बी, और जो एक्स है वो कितना है आपका, अंडर रूट ऑफ सी। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, है ना। इसको मैं ढंग से अगर अरेंज करके लिखूंगा, इसी इक्वेशन को अगर मैं ढंग से लिख दूंगा तो कितना बन के आएगा, ये आ जाएगा, या ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन के आ जाएगी आपकी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट ऑफ सी प्लस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इसको मैं ढंग से अरेंज रीअरेंज कर दूँ तो हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस बी अंडर रूट ऑफ सी, ये आ जाता है। इसी इक्वेशन को कहते हैं अपन डी बाय एकल इक्वेशन। कुछ भी नहीं करना अपन ने, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाया अपन ने, इस इक्वेशन को कहेंगे डी बाय एकल इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की नहीं है, है ना। ये बी की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होता है, इसका नाम क्या है, डी बाय हकल, डी बाय हकल कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। और ये वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, फिक्स्ड फॉर फॉर पर्टिकुलर, फॉर अ पर्टिकुलर कूलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर एनएससीएल है तो अलग है ना, एचसीएल है तो अलग है, ऐसे एनओ एच तो अलग है, हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग है। ठीक है, वो गिवन होती है। हमने जो आपके डी बाय एकल थे उन्होंने क्या किया, सब इलेक्ट्रोलाइट के लिए बी की वैल्यू निकाल दी, है ना। उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंटल इसके लिए पता करी, इसके लिए पता करी, कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कुछ भी उन्होंने वैल्यू रखी, और इससे बी निकाल लिया उन्होंने। और बी तो कॉन्स्टेंट है, वो किसी भी कंसंट्रेशन में निकालोगे तो कुत्ता ही रहना है, ये कॉन्स्टेंट है। उन्होंने एक तरह हर जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज है सबके लिए निकाल के रख दी, हमारे पास डाटा अवेलेबल है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। और ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक प्रकार से देखे तो एचसीएल के लिए फिक्स होगी, एनएसएल के लिए फिक्स होगी, है ना भाई, ये तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी है ना, मैक्सिमम कंडक्टिविटी है, इनफाइनाइट डिलीशन पे जा आ रही है, तो एचसीएल के लिए अलग होगी, एनएसएल के लिए अलग होगी, तो ये भी एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू है, एनएसएल के लिए अलग है, एचसीएल के लिए अलग है। इट इज अ मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डिलीशन, है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो ये चीजें ऐसी होती है, समझ रहे आप लोग। तो अगर मान लो आपको ये चीज पता करनी है, तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली पता करने के बजाय सीधे सीधे इक्वेशन को पता लगा दोगे। आपको ये चीज पता है, आपके पास तैयार है डाटा लिखा हुआ, कंप्यूटराइज है सारा डाटा, सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसकी वैल्यू पता है आपको, किसी भी कंसंट्रेशन, मैंने बोला पॉइंट वन मतलब एचसीएल के लिए निकालो, इसकी वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू पता थी, लगाई, खत्म हो गया आंसर। आपको क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी, कंसंट्रेशन भी पता होगा कि पॉइंट वन मतलब, ये निकालो, निकाल लोगे। अब एक चीज समझना, जो तो समझने वाली वो ये है कि जो ग्राफ बनाया जाता है, ये जो ग्राफ बनाया जाता है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बनाया जाता है। क्यों, अभी देखो, अगर मान लो इस ग्राफ को मैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाऊंगा,
अगर मान लो एक सेम ग्राफ प्लॉट किया जाता है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, अगर ये सेम ग्राफ को प्लॉट करते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है। ऐसा क्यों बन के आता है? क्योंकि हमें पता है डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस की बात कर रहा हूँ, इसके पहले लेक्चर में ये सब बताया क्यों कैसे क्या। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होने के दो कारण होते हैं, एक कारण होता है कि मोबिलिटी बढ़ जाती है ना, मोबिलिटी को वैसे जनरली म्यू से रिप्रेजेंट कराया जाता है। और दूसरा क्या कारण होता है, एक कारण तो ये हो गया, दूसरा कारण होता है कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसीजन बढ़ जाता है, सॉल्ट डाइल्यूशन लॉ लग जाता है। तो जो इसकी वैल्यू बढ़ती है ना कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे, इसकी जो वैल्यू बढ़ती है बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन बढ़ जा रहे हैं, और नंबर ऑफ आयन बढ़ने के कारण क्या होगा, इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिसके कारण ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा। तो जो ग्राफ ऐसा कुछ बन के आता है तो कभी भी जो है ये, है ना, इस एक्सेस के साथ में इंटरसेक्ट नहीं करता, कभी भी टच नहीं करेगा, तो ये कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ही नहीं। और जो इक्वेशन अपन ने अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले, है ना, ये जो इक्वेशन बनाई थी अपन ने, ये इक्वेशन तो तभी बनी थी जब स्ट्रेट लाइन बन रहा था, और स्ट्रेट लाइन बनना था किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनी नहीं था। जैसे मान लो CH3 CO एसिटिक एसिड के लिए बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी नहीं, भैया ग्राफ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, तो इसके लिए इक्वेशन कभी भी नहीं लगेगी। ये तो स्ट्रेट लाइन से आ रही थी इक्वेशन, तो वैलिड ओनली फॉर, वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इतनी बात समझ में आई क्या, है ना। अच्छा एक और छोटी सी चीज समझना, जो समझा रहा हूँ मैं आपको, एक चीज और समझना, है ना। जैसे मान लो आपको आपको दिया हुआ है ग्राफ मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे ले रखा है आपको अंडर रूट ऑफ सी, है ना। मैंने बोला ये ग्राफ मैंने बनाया है, नहीं ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है, और दो ग्राफ बने अपने पास, एक ये वाला ग्राफ और एक ये वाला ग्राफ, दो हमने बनाए हैं, ऐसे कितने भी बना सकता है। और मैंने बोला आपसे कि, है ना, एक ग्राफ HCl के लिए है, ए है बी है, एक मैंने बोला HCl के लिए बनाया गया है और दूसरा मैंने बोला NaCl के लिए बनाया गया है। आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा HCl के लिए कौन सा NaCl के लिए है ना। कैसे करोगे, देखो सिंपल सा फंडा है कि कोई भी कंसंट्रेशन की बात करते हैं अपन, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं ऐसी, इस कंसंट्रेशन पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, बी वाले की इतनी है और ए वाले की इतनी है, ये एट कंसंट्रेशन सी पे, एक सेम कंसंट्रेशन पे। हम एक चीज समझते हैं, ये चीज पढ़ाई थी इसके पहले लेक्चर में, कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है आपकी मेटल्स की, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन की, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसके सोल्यूशन की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है नंबर ऑफ आयंस होना चाहिए बहुत ज्यादा, और अगर नंबर ऑफ आयंस भी सेम है तो ग्रोथ इफेक्ट लगाते हैं। ग्रोथ इफेक्ट कहता है कि किसी में भी एच ओ एच प्रेजेंट है तो कंडक्टिविटी मैक्सिमम आती है, क्योंकि एच आयन, एच पॉजिटिव आयन और एच नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो प्रेजेंस ऑफ एच ओ एच सिंपल भाषा में कहें तो कहीं भी दिखते हैं तो कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नंबर ऑफ आयंस इसके भी तो आएंगे, इसके भी तो आएंगे, एच पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, एन पॉजिटिव सीएल नेगेटिव। ग्रोथ इफेक्ट अब लगेगा जहां पर कहेगा कि भैया एच आयन पॉजिटिव है तो कंडक्टिविटी जो है वो HCl की जो है वो ज्यादा होगी NaCl से, ठीक है। तो यहाँ पर एट सेम कंसंट्रेशन किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा दिख रही है, सोच के बता। हाँ भाई कंसंट्रेशन अलग अलग है तो भाई कंसंट्रेशन के कारण भी कंडक्टिविटी में चेंजेस आते हैं, तो वो फिर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। जैसे आप पी वर्सेस वी का ग्राफ भी देखते हो तो आपको एक बताना पड़ता है किसमें टेम्परेचर ज्यादा था। आप एक कॉमन एक्सेस ले लेते हो भी, आप कहोगे यहाँ पर टेम्परेचर सेम है दोनों, है ना, के लिए, या वॉल्यूम सेम है या प्रेशर सेम है, जैसे आप करते हो इंटीग्रेटर डायग्राम वगैरह में, छोड़ो। तो यहाँ पर भी आपने एट सेम कंसंट्रेशन, अगर मैं अलग अलग कंसंट्रेशन में कंपैरिजन करता तो भाई कंसंट्रेशन के कारण वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। टू कंपैरिजन आपको अगर कंपैरिजन करना है तो एट सेम वेरिएबल पे करना पड़ेगा। तो आपने मान लिया दोनों के लिए कंसंट्रेशन सेम है, अब इस कंसंट्रेशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी आ रही है और इस बी वाले के लिए इतनी आ रही है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो किसके लिए होना चाहिए, ये वाला HCl और NaCl में से HCl के लिए होना चाहिए। तो दिस ग्राफ इज एक्चुअली फॉर HCl, क्योंकि कंडक्टिविटी एट सेम कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है, एंड दिस इज फॉर NaCl, दिस इज फॉर NaCl, समझ रहे हो ना। ऐसे करके वो आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। अच्छा एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ उससे रिलेटेड, अगर मान लो मैंने, है ना, मान लो ये मोलर कंडक्टिविटी अंडर रूट ऑफ सी, मैंने तीन ग्राफ बना दिए यहाँ पे, एक दो एक दो और तीन, सोच के बताओ क्या होगा। मैंने कहा तीन ग्राफ है किसके लिए, एक है आपके लिए H2SO4 के लिए, एक है आपके पास HCl के लिए और एक है आपके पास NaCl के लिए। किसके लिए सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा किसका, H2SO4 का, एट सेम कंसंट्रेशन लेवल पर। तो दिस इज फॉर H2SO4, है ना, एंड दिस इज फॉर HCl बिकॉज ऑफ द, है ना, प्रोसेस इफेक्ट प्रेजेंस ऑफ द एच, है ना, एंड दिस इज फॉर NaCl। बात समझ में आ गई क्यों ऐसा है ना। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी है, नंबर ऑफ आयंस इसके तीन आएंगे ना, H2 पॉजिटिव और एक SO4 2 नेगेटिव, इसमें दो ही आएंगे, दो आएंगे लेकिन इसमें प्रेजेंस ऑफ एच है ना, ग्रोथ इफेक्ट सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी होगी, एच एन एस सी से, समझ गया ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन लोग,
और ना और भी इसमें जैसे कुछ बताने ऐसा दिमाग में बच्चा नहीं, और देखते हैं कुछ होगा तो बता देता हूँ, है ना। तो ठीक है, इस तरीके से अपन इसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं अगर ये ग्राफ बनाता हूँ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये ग्राफ कभी भी सीधा सीधा नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता, ये ग्राफ ऐसा बनता है, ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करता है, ठीक है, एक्सेस को, ठीक है। तो ये इस तरीके का बनता है, जैसे मान लो आपने बना लिया CH3COH का, फॉर्मिक एसिड का, या है ना फॉस्फोरिक एसिड का, है ना सल, है ना H2S का, ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो हमारे ये काम का कुछ नहीं होता है, तो नॉट वैलिड फॉर है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ पूरी कहानी को एक बार, डिवाइड करने क्या करा, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस है ना मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी के बीच में ग्राफ बनाया, उन्होंने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ग्राफ कुछ ऐसा बन के आ रहा है ना, और उसी के आधार पर उन्होंने देखा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ तो भैया इसकी जो इंटरसेप्ट होगी वो क्या होगी, इंटर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो स्लोप होगा नेगेटिव है तो माइनस लगा दिया, और अपना कॉन्स्टेंट बोल दिया बी तो माइनस भी होगा, तो आपको एक इक्वेशन मिल गई मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी अंडर रूट ऑफ सी, है ना। और ये इक्वेशन को बोल दिया भाई डीबाइकल इक्वेशन है, इसमें जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, और जो बी है इसको डीबाइकल कॉन्स्टेंट बोला जाता है, ये फिक्स होती है फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। हमारे पास डाटा तैयार है, हमारे पास मतलब साइंटिस्ट लोगों के पास जो है ना डाटा है पूरा, वो सब तैयार है अपने पास, सब रेडी है, वो सब कंप्यूटराइज है, सब लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चन में चीज़ गिवन होगी, तो आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी भी इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कभी बन के नहीं आएगा, इसके लिए ग्राफ जैसा बन के आएगा, क्योंकि उसमें अल्फा भी नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं, अल्फा बढ़ जाता है ऑन डायलिशन, तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं बनाएगा, जिसके कारण जो डीबाइकल इक्वेशन की जो डीबाइकल की जो इक्वेशन आती है वो कभी भी इसके लिए वैलिड नहीं होगी। तो डीबाइकल इक्वेशन हो गई, ग्राफ हो गया, थ्योरी हो गई, कुछ भी हो गई, सिर्फ वैलिड है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आगे भी देखेंगे हम लोग, है ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ेंगे, फिलहाल तौर पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा कुछ है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फिलहाल तौर पर डीबाइकल इक्वेशन इस लेक्चर में अपने कराया है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखेंगे। तो फिलहाल तौर पर वीडियो इतना ही, पसंद आए तो लाइक है ना करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।